हाउ टू डू भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करें, प्रॉपर तरीका क्या है भ्रामरी प्राणायाम को करने का, और क्या क्या गलतियां हैं भ्रामरी प्राणायाम को करते हुए। तो आज की वीडियो में मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, चाहे आप सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं पैरों को सीधा रखकर, चाहे आप कहीं पे भी हो, ऑफिस में हो, बेड पर हो, चाहे आप कुर्सी पर बैठे हो, किसी भी जगह आप भ्रामरी प्राणायाम को कर सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए सिर्फ आपको कमर और गर्दन स्ट्रेट रखनी है, सीधी रखनी है, और दोनों हाथों को अपने कान पर रखें। शुरुआती अभ्यास इस प्रकार, जो एडवांस लेवल पे चले गए हैं, बिगनर हैं, उन लोगों को, इंटरमीडिएट वालों को इस प्रकार कान में अंगूठे लगाने हैं और हाथों को अपनी आइस पर रखना है। ज्यादा तेज आइस को ना दबाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, आइस को तेज से दबा लेते हैं और थोड़ी देर बाद सब कुछ धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है। तो आइस को तेज नहीं दबाना है, आंखों पर धीरे से हाथ रखें और कानों को प्रॉपर तरीके से बंद करें, बाहर की आवाज अंदर ना जाए, इस प्रकार रखें और लंबा गहरा श्वास भरें इस प्रकार, और कंठ को संकुचित करें, और जैसे भंवरा गुंजन आवाज पड़ता है, लाइक हमिंग भी, ठीक है, हमिंग साउंड उत्पन्न करना है, भंवरे की गुंजन की आवाज, इस प्रकार कानों को बंद किया, दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखा, धीरे से डीप इनहेल एंड स्टार्ट। प्रकार करें भ्रामरी प्राणायाम को। तो भ्रामरी प्राणायाम में सबसे मेन बात यह है कि आप जितना लंबा हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे उतना ही प्राणायाम अच्छा होता चला जाएगा, माइंड भी शार्प हो जाएगा और बुद्धि तीव्र हो जाएगी। थॉट्स जो एक्स्ट्रा थॉट क्रिएट हो रहे होते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, वह सभी दूर हो जाएंगी और आप मानसिक स्तर पर अत्यधिक स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार किया जाता है भ्रामरी प्राणायाम। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।